Hi friends, I'm your host and your dost Anamika and welcome to my channel Anna's Recipes. Friends, kabhi hamari ichha hoti hai kuch spicy aur kuch mazedar khane ka, but unfortunately hamare kitchen mein ingredients nahi hote, vegetables nahi hoti. To main aapko batati hu ek aisi dish jo aap bana sakte hain sirf 3 vegetables se, and it's very simple. You just need potatoes, onions or tomato, aur aapke liye ek bahut shandar snack ya fir ek breakfast recipe ready ho jayegi. Friends, मेरा पर्पस है कि मैं आपको वो रेसिपीज बताऊं जो आप रेस्टोरों में जाके खाते हैं, एक्सपेंसिव होती हैं और अनहेल्दी भी होती हैं. वो रेसिपी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं उन इंग्रेडिएंट्स से जो आपके पास किचन में अवेलेबल हो, और बिना किसी गैजेट्स के, बिना माइक्रोवेव के, बिना ओवन के, सिंपल तवे पे सिंपल कुकिंग आप कैसे कर सकते हैं, वही रेसिपी रेस्टोरेंट वाली महंगी और टेस्टी आप घर में कैसे बना सकते हैं. तो एक ऐसी ही रेसिपी मैं आपको बताती हूँ, आइए चलिए देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स. Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. फ्रेंड्स, मैंने लिया है कुछ बॉइल्ड आलू, एक छोटा प्याज और एक छोटा टमाटर. मैंने इन आलूओं को सेमी बॉइल लिया है और इस तरह से मैंने उनके स्लाइसेस कर दिए हैं. ये देखिए, प्याज के भी मैंने इसी तरह से स्लाइसेस कर दिए हैं और टमाटर के भी इसी तरह से कर दिए हैं. थोड़ा सा लिया है ऑयल, आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल या कोई भी. एक चीज़ स्लाइस. ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं. इसमें मेरे पास है थोड़ा सा धंग कर्ड, यानी कि दही जो मैंने गाढ़ा कर रखा है, वो मैंने 2-3 चम्मच दही लिया है. थोड़ा सा मैंने लिए हैं मिक्स्ड हर्ब्स, जिसमें ऑरिगेनो है और थाइम है और गार्लिक पाउडर है. आप चाहें तो सिर्फ ऑरिगेनो भी ले सकते हैं. थोड़ा सा मैंने लिया है चाट मसाला. मैंने लिया है पुदीने के पत्ते, ये सूखे हुए पुदीने के पत्ते हैं जो मैंने सुखा के अपने पास रखे हुए हैं. ये सूखे पुदीने के पत्ते हैं. अगर आपके पास पुदीने का पत्ता नहीं है तो आप ड्राई कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं. लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक. सबसे पहले मैं दही में मिर्च और नमक मिलाऊंगी और थोड़ा सा ये जो सूखे पुदीने के पत्ते हैं ये भी मिला दूंगी फ्लेवर के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स करना है. ये देखिए, अब एक पैन में मैंने चढ़ा लिया ऑयल. इसमें मैं आलू डाल देती हूँ और इस आलू को मुझे बहुत हल्के हाथ से रोस्ट करना है. सारे आलू के पीसेस उस पैन में डाल देती हूँ. इनको ऑयल लगा के इसे ग्रिल करना है. ये देखिए, इनको आराम से बहुत हल्के हाथ से हमें पलटना है. इसीलिए मैंने इनको सेमी बॉइल लिया है, क्योंकि अगर मैं इनको ज़्यादा बॉइल कर दूँगी तो ये टूट जाएंगे, तो आपको इन्हें ज़्यादा बॉइल नहीं करना. आप चाहें तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं. ये देखिए, अब ये धीरे धीरे सिक रहे हैं. ये देखिए कितना अच्छे से सिक गया है. अब मैं इसे निकाल देती हूँ, इसे भी निकाल देती हूँ. ये वाले पीसेस थोड़े से कम सिके, इनको और सेक लेती हूँ और फिर इन्हें भी हम निकाल देंगे. अब इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के टमाटर और प्याज भी इसी तरह से भून लेते हैं. टमाटर और प्याज को हमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है तेज़ गैस पे हल्का सा, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा भूनेंगे तो ये टेंडर हो जाएंगे, टूट जाएंगे. हमें इसे तोड़ना नहीं है, हमें इसके पीसेस रखने हैं ऐसे ही. तो 1 मिनट ही इसको आप ग्रिल करें. ये देखिए, और ये 1 मिनट में हो जाएंगे, ये एकदम हो गए. इनको भी निकाल देते हैं हम. चीज़ स्लाइस के मैंने 4 टुकड़े कर दिए हैं. अब ये जो 2 बॉइल्ड आलू हैं, इसमें मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स मिलाती हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल कर दिए. एक टमाटो का स्लाइस रख दीजिए, कुछ अनियंस रख दीजिए, डाल दीजिए थोड़ा सा चाट मसाला, एंड अब रखिए चीज़ का स्लाइस और इसको कवर कर दिए दूसरे आलू से. तो बना दीजिए एक से आलू के सैंडविच टाइप. इसे दूसरे प्लेट में बहुत ही हल्के हाथ से ट्रांसफ़र कर देती हूँ. दूसरा भी इसी तरह से बना देती हूँ. चाट मसाला,
स्लाइस, और ये देखिए दूसरा आलू रख दिया। और इसी तरह से इन सारे आलू के सैंडविच बना देते हैं। ये देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने यमी दिख रहे हैं। आइए अब इनकी वो गार्निशिंग करते हैं। तो ये जो कर्ड हमने बनाया था, थोड़ा सा कर्ड इनके ऊपर डाल देते हैं। ये जो टैंगी टेस्ट कर्ड देता है इसे, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, और मेरे पास कुछ आलू के सेव हैं, ये भी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से क्रंचीनेस और टेस्ट के लिए, और सुंदर भी लगेंगे इससे। और लास्ट में जो मेरे मिंट है, जो मेरा पुदीने का सूखा पुदीना है, उससे मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये देखिए खाने के लिए एकदम रेडी है।